हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज अपन हिंदी में रिटर्न लिखना सीखते हैं। अपन को सब अब अनार का और ये क्या करना है, लिखना सीखना है। तो मैं आपको लिखना सिखाती हूँ। अपन ने ये पहले सीखा था, स्टैंडिंग लाइन सीखी है। स्टैंडिंग लाइन के साथ ये वाली स्लीपिंग लाइन सीखी है। ये वाली स्टैंडिंग लाइन हुई, ये स्लीपिंग लाइन हुई। अपन ने ये वाला कर्व सीखा है, ये वाला कर्व सीखा है। उसके बाद ये पूरा वाला कर्व सीखा है, और फिर ये आप होमवर्क में कर चुके हैं। मैं आपको ये सब बनाना सिखा चुकी हूँ। अब मैं आपको सिखाती हूँ अनार का बनाना। अब अनार का बनाने के लिए किस किस की ज़रूरत पड़ेगी अपन को? ये वाले कर्व की, या फिर अपन पहले ये वाला कर्व ले सकते हैं। तो पहले ये वाला कर्व लिया, फिर इसी को बढ़ाया तो ये वाला कर्व बन गया। आया समझ में? मैं एक बार और बताती हूँ आपको। पहले ये वाला कर्व लिया है ना, फिर एक और यही वाला कर्व बनाया तो कौन सा बन गया? ये वाला कर्व बन गया। ओके, उसके बाद अपन को क्या करना है? ये वाली लाइन लेनी है। ये वाली लाइन लेंगे तो ये वाली लाइन लेने के लिए इसको इसको इससे मैच किया तो क्या बन गया? अनार का। एक बार आप फिर देखिए बच्चों, ये वाला कर्व लेंगे, ये वाला कर्व लिया, उसके बाद इसी को रिपीट करेंगे, ये वाला कर्व लिया तो ये क्या बन गया? ये बन गया। उसके बाद अपन लेंगे ये वाली लाइन, तो ये स्लीपिंग लाइन हुई पहले और ये स्टैंडिंग लाइन हुई, तो ये क्या बन गया? अ से अनार। आया बच्चे आपको सबको समझ में? अब आपको मैं इसी का थोड़ा और डिटेल बताती हूँ। देखिए, ये मैंने अनार का बनाया है तो कैसे बनाया? ये वाला कर्व बनाया पहले छोटा, फिर ये वाला कर्व बनाया, फिर स्लीपिंग लाइन, फिर स्टैंडिंग लाइन। ये क्या बन गया? अनार का, और ये अनार का शेप, ये अ और ये अनार का शेप। अब आपको क्या करना है? इसमें ये अनार का शेप है, इसमें आपको रंग भरना है। ठीक है, आप रंग भरेंगे तो ये इन लाइन से बाहर नहीं निकलना चाहिए, तो ये क्या हो गया? अनार का। तो ये अ से अनार, अब आपको इसमें रंग भरना है और अनार का बनाने की प्रैक्टिस करनी है। ओके बच्चों, थैंक यू।